केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के प्रारंभिक दौर में प्रदेश के 9,44,000 किसानों को लाभ मिल रहा है। सरकार ने योजना को पारदर्शी करते हुए ई केवाईसी के साथ भूमि का सत्यापन आवश्यक कर दिया है, जिससे पात्र किसानों तक योजना का लाभ पहुंच सके। इसी कड़ी में जनपद उधम सिंह नगर में प्रशासन द्वारा न्याय पंचायत स्तर पर कैंप लगाकर किसानों को जागरूक किया जा रहा है। साथ ही ई केवाईसी भू आलेखों का सत्यापन, पीएम किसान पोर्टल पर अभिलेख अपडेट करने के साथ ही किसानों के बैंक खातों को आधार से लिंक करने का काम किया जा रहा है। अपात्र हुए किसानों को एक बार फिर योजना का लाभ मिलना शुरू हो गया है। गौरतलब है कि उधम सिंह नगर जनपद में लगभग 1,20,000 किसान हैं, जिनमें से 82,209 किसानों को योजना के तहत पंजीकृत किया गया है। मुख्य विकास अधिकारी विशाल मिश्रा ने बताया कि मुहिम के तहत प्रशासन द्वारा जनपद की 27 न्याय पंचायतों में कैंप लगाकर अधिक से अधिक किसानों को योजना का लाभ दिया जा रहा है। से अधिक किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ मिले, इसमें हम लोग तीन तरीके के कार्य कर रहे हैं। पहला, उनकी आधार सीडिंग कर रहे हैं। दूसरा, उनके लैंड रिकॉर्ड्स को अपडेट किया जा रहा है ताकि उनके एक्चुअल लैंड रिकॉर्ड्स के आधार पर उनको किसान सम्मान निधि का लाभ मिले। और तीसरा, जो उनके बैंक अकाउंट है उनकी केवाईसी करना। तो इसमें मुहिम चला करके जनपद उधम सिंह नगर में 27 नया पंचायत में कैंप लगा करके कार्रवाई की जा रही है और प्रतिदिन इसकी मॉनिटरिंग भी की जा रही है। मुख्य कृषि अधिकारी, मुख्य उद्यान अधिकारी, जितने भी हमारे अधिकारी हैं उसकी प्रतिदिन मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मैं स्वयं इसकी मॉनिटरिंग कर रहा हूं ताकि अधिक से अधिक किसानों को उनके लाभ मिल सके। जैसा आप अवगत है कि ये भारत सरकार की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, जिसमें जनपद में 83,000 से अधिक हमारे किसान भाई पंजीकृत हैं इस योजना के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत 12वीं किस्त के रूप में अभी हमको 37,441 किसान भाइयों की किसान सम्मान निधि इसमें खातों में आ चुकी है। और जो किसान भाई छूटे हुए हैं, इसमें जो लैंड सीडिंग है उसमें लगभग 11,687 कृषक अभी छूटे हुए हैं। अभी हमने 5,120 किसान की अभी लैंड सीडिंग हमारी छूटी हुई है, इसको आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। साथ ही साथ जो ई केवाईसी है, ये हमारी 28,000 के लगभग पेंडिंग थी, इसके अंतर्गत हम जो अभी तक कर चुके हैं उसमें हमारा 26,514 अभी बकाया है। साथ ही साथ अवगत कराना चाहूँगा कि अभी नया पंचायत स्तर तक अभी हम ये अभियान चला रहे थे, अब इसके बाद हम इसको कंटिन्यूटी रखते हुए ग्राम सभाओं पर इसको कराएंगे, जिससे कि किसान भाइयों का लाभ मिल सके। मैं किसान भाइयों से एक अनुरोध और करना चाहूँगा, जिनकी जानकारी में आ गया है कि अभियान चल रहा है, वो अपने निकटतम केंद्रों पर जाकर के ई केवाईसी करा लें, अन्यथा ये जो 13वीं किस्त आएगी वो उससे वंचित होना पड़ेगा। धर्मपुर निवासी लाभार्थी किसान ठाकुर जगदीश सिंह का कहना है कि प्रशासन की इस मुहिम से अब इस योजना का लाभ प्रत्येक किसान तक पहुंच रहा है। प्रधानमंत्री कृषक सम्मान निधि के तहत जो ये योजना हमारे प्रधानमंत्री जी ने चलाई थी, उसके संबंध में जिन किसानों को लाभ मिल रहा था उसमें केवाईसी और आधार कार्ड को खाते से लिंक करने संबंधी कुछ काम ऐसे थे जिन किसानों के नहीं हो पाए, जिसकी वजह से केवाईसी से और आधार कार्ड से दिक्कत आ रही थी, परेशानी आ रही थी। तो उस दिक्कत को, परेशानी को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने ये एक मुहिम छेड़ी है कि हर ग्राम सभा में जाके जो किसान इस लाभ से वंचित रह गए हैं उनको कम से कम, जहां उनका आधार लिंक नहीं है या केवाईसी नहीं हुई है, उन किसानों को जागरूक करके कम से कम इस लाभ योजना का लाभ प्रत्येक किसान तक पहुँचाया जा सके। लाभार्थी काश्तकार गुरदयाल सिंह का कहना है कि प्रशासन के इस मुहिम से किसान जागरूक होंगे, उन्हें जानकारी मिलेगी जिससे उन्हें लाभ मिलेगा। जो किसान इससे वंचित रह गए थे, जिन्होंने मतलब आधार कार्ड लिंक नहीं करवाए थे कार्ड में, वो अब आधार कार्ड लिंक करवा रहे हैं, अब वो पूरा फायदा लेंगे उससे।